नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्लम्बर एनके में। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैं नई मकान की फ़िटिंग की वीडियो दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। किचन से शुरुआत करता हूँ मैं, कि जो हमने कैसे कैसे फ़िटिंग करनी है। तो मैं अभी बैक कैमरा चालू करके तब आपको दिखाता हूँ। तो मैं ये शुरू से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से ये हमने जैसे एंट्री करी है, यहाँ से ये देखिए, दूर से वो ईंटें पड़ी हैं जो ढेर लग रहा है, वहाँ किचन है, वहाँ से किचन चालू है। तो मैं पास ले जाके दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, ये किचन है, ये किचन की जीरी है हमारी। तो अभी इसमें दीवार वगैरह कुछ नहीं लगी है, इसमें दीवार लगेगी। ये यहाँ से दो पाइप जाएंगे हमारे, एक मोटर का और एक टैंक का, दो पाइप हमारे ऐसे उतरेंगे और यहाँ से वो नाली में जाएंगे, सीधे बाहर जाएंगे। और ये जो हमने नाली सी खोदी है, इसमें हमारा ये 4 इंची पाइप भी जाएगा और हमारे फिटिंग वाले पाइप जो 1/2 इंची 1.5 इंची जो होते हैं, जो भी डलेंगे वो इसमें डल जाएंगे हमारे। तो ये जो हमारा है बीम आ रहा है DPC, तो इसको हम काट के तो हमारे जो पाइप है ऐसे चला जाएगा और जो हमारी नाली है वो यहाँ छूट जाएगी किचन की, ठीक है। ये सीधा पाइप चला जाएगा। और जैसे हमारे छत का पाइप है ऊपर लेंटर का, मैं दिखा देता हूँ, ये लेंटर है हमारा, ये सब दिख रहा है। तो इनका सबका छत का पानी हमारा वो वहाँ है ढलान, तो वहाँ से एक पाइप उतरेगा हमारा ऐसे करके और इसमें जुड़ जाएगा हमारा। मैं पास जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर से आएगा पिलर के सहारे, ये छेद हो रहा है हमारा, यहाँ से इसके सहारे आके पिलर के सहारे और यहाँ एल्बो लग के और हमारा टी लग के ऐसे चला जाएगा सीधे। तो एक तो ये हो गया हमारा छेद, दिख गया, और दूसरा उधर हो रहा है वो कोने में, तो ऐसे ही वहाँ भी उतर जाएगा, वहाँ भी ऐसे करके टी लग जाएगी और एल्बो लग जाएगी, ऐसे जुड़ जाएगा हमारा। तो ये पाइप सीधा हमारा लगभग, ये किचन से दूर से दिखा देता हूँ, ये किचन हो गई, किचन से ऐसे जाएगा हमारा पाइप और सीधा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें लंबा पाइप है ये, तो हमारे जगह जगह चैम्बर बनेंगे, वो चैम्बर कैसे बनेंगे मैं दिखाऊंगा आपको नए तरीके से। उसमें ना तो पानी मिलेगा ना हमें सीमेंट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं नया तरीका बताऊंगा एक। तो अभी हम इसकी फ़िटिंग करते हैं, हो सकता है वीडियो ना बन पाए फिटिंग करते पे, फिटिंग होने के बाद मैं दिखाऊँगा आपको। ये मैं छेद में से दिखा देता हूँ, यहाँ से किचन दिख रही है, ये देखिए वो पाइप पड़ा है किचन के पास, वहाँ से जो नाली खुदी हुई आ रही है हमारी, ये हमारा बाथरूम है, ये बाथरूम की मैं झीरी कटी हुई है। तो इसके नीचे मैं अभी दिखाता हूँ, ये जो नाली खुदी हुई है हमारी, ये सीधा वहाँ से लंबा पाइप आएगा हमारा और बाहर निकल जाएगा। 4 इंची पाइप हम डाल लें इसमें, वैसे 6 इंची डालना चाहिए, लेकिन जो है जैसी मालिक की चॉइस होती है उस हिसाब से हमें काम करना होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा मोटर का पाइप आ जाएगा, बीच में आ जाएगा सिंटेक्स का, और ये हो जाएगा हमारा गीजर का पाइप, और यहाँ से हमारा जो है मिक्सर बन जाएगा सावर का, ये सावर में चला जाएगा हमारा, मतलब टैंक का और गर्म पानी का मिक्सर बन जाएगा हमारा। तो जो हमारा लेफ़्ट में जो है हमारा गर्म पानी होता है, लेकिन हमने इसमें राइट में दिया है क्योंकि यहाँ पर सेटिंग नहीं बैठ रही थी, इसलिए हमने थोड़ा गलत कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा गीजर लग जाएगा क्योंकि जगह नहीं है, तो जगह के हिसाब से हमने काम करा है। और ये यहाँ पॉइंट देके हमारा यहाँ सीट लगेगी, तो इंग्लिश सीट, हमने इंग्लिश सीट का पॉइंट बनाना है यहाँ। और ये जो ये 3 ईंटें लग रही हैं आपको दिख रही होगी दीवार में, यहाँ हमारा इंग्लिश सीट का पॉइंट बन जाएगा। तो ये सारी फिटिंग होके हमारा उधर इसके बराबर में, ये बाथरूम के बराबर में हमारी लेटरिन है एक छोटी सी, जिसमें हमारी देसी सीट लगेगी। तो यहाँ से हमारी जो है, मैं पास जाके दिखाता हूँ, यहाँ छेद मार रखा है हमने, होल मार रखा है एक, तो यहाँ से जो हमारे पाइप चले जाएंगे उसमें देसी वाली सीट में टी लग के। तो अभी मैं वहाँ पर भी जाके आपको दिखाऊंगा।
और यहाँ पे जो है हमारी एक नाली बन जाएगी, बाथरूम का जो पानी है हमारा सारा वो हमारा इसमें चला जाएगा। ये हमारी देसी सीट होगी, तो इसमें हमारी देसी सीट लग जाएगी। और ये जो नाली खुदी हुई है हमारी, आप देख रहे हैं ये जो हेल्पर हमारे काम कर रहे हैं, यहाँ हमारा 4 इंची का पाइप जाएगा। तो ये जो पाइप निकल के हमारा यहाँ आएगा और यहाँ पे जो हमारा सीट का पॉइंट बन जाएगा। ये जो 3 ईंटें लग रही हैं यहाँ पे हमारी एल्बो लग जाएगी इंग्लिश सीट की। तो यहाँ से होके ऐसे घूमकर और हमारा यहाँ टी लग के पीटरअप लग जाएगा देसी सीट का, और यहाँ से फिर हमारा बाहर चला जाएगा। ये देखिए ये टैंक में जाएगा पाइप हमारा, ये हमारा टैंक में चला जाएगा पाइप। और यहाँ हमारा वाश बेसन रहेगा, यहाँ से जो है वो जो पाइप है हमारे 0.5 इंची के, वो यहाँ आकर यहाँ वाश बेसन का पॉइंट बन जाएगा हमारा। और यहाँ से उतर कर हमारे इसमें चढ़ जाएंगे, ये झीरी आप देख रहे हैं, ये सीधे ऊपर चले जाएंगे हमारे पाइप। ये झीरी कटी नहीं है अभी, झीरी कट जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा पूरी फिटिंग। ये देखिए जो नाली हमने खोली थी उसमें हमने मसाला डाल दिया है, इसके ऊपर हम पाइप रखेंगे ताकि जो हमारा पाइप है वो बैठे ना। तो इसमें मसाला डाल दिया है, अब मैं बाथरूम में जो है फिटिंग करूँगा पानी की फिटिंग, जो हमारी 0.5 इंची होती है, तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा पाइप। ये ठंडे पानी का पाइप है, पास ली थोड़ा ओके दिख रहा है, ये ठंडे पानी का पाइप है यूपीवीसी। ये ठंडे पानी में लगाया जाता है क्योंकि इसके ठंडे पानी में जॉइंट नहीं खुलते, तो हम इतना महंगा सीपीवीसी पाइप क्यों लगाएं। ओके, बट जो गर्म पानी का पाइप होगा वो अलग डाला जाएगा, वो अलग डाला जाएगा सीपीवीसी। थोड़ा सा मैं थोड़ा और अच्छी तरह थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे भाई ने यहाँ पर हमारा गीजर सेट होगा, यहाँ पर इस कॉर्नर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गीजर सेट होगा, और इस गीजर से गीजर में जो ठंडा पानी जाएगा वो इस पाइप के थ्रू जाएगा, और वहाँ से दूसरा पाइप आएगा सीपीवीसी जो काफ़ी महंगा पाइप आता है, वो यहाँ से इस साइड में आएगा और इसमें मिक्सर होके पानी आएगा हमारा। We'll be right back.
ये हमारे फुहारे का है, कंसील बोलते हैं इसे, कंसील बोलते हैं इसे। तो ये हमारे पाइप यहीं तक रहेगा यूपीवीसी, इसके आगे हमारा जी हमारी टी लगेगी, वो सीपीवीसी पाइप लग जाएगा हमारा। ओके ठीक है, ठीक है, सीपीवीसी पाइप लग के जी फिर जो है हमारा फुहारे में चला जाएगा, फुहारे में चला जाएगा हमारा जी, यहाँ से गर्म पानी का पाइप, गर्म पानी का पाइप आएगा और वो इसमें जाके चला जाएगा। वैसे हमने गलत लगा दिया, इसको खोलेंगे, इसमें हम सीपीवीसी लगाएंगे। ओके ओके, ये हमने फिटिंग कर दी है किचन में और 4 इंची पाइप भी डाल दिया है हमने। इसमें मोटर का और सिंटेक्स का पाइप डाल रखा है हमने, दो ही पानी है इसमें, गीजर का नहीं है। तो ये हमने ऐसे करके 4 इंची पाइप भी यहाँ इसके नीचे नाली छोड़ रखी है हमने, ये 4 इंची डाला है टोटल हमने पाइप। और ये मैं पास जा कर दिखा देता हूँ, ये बारिश का पानी का पाइप है, ये हमारा इसी में जोड़ दिया है, देखिए टी और एल लगा के हमने जोड़ रखी है। और ये हमारा चैम्बर बन गया, टी लगा रखी है हमने, हमने चैम्बर नहीं बनाया, ये टी ही हमारा चैम्बर के काम करेगी। और ये सारा पानी इसमें हमारा छत का आ जाएगा। और आगे भी दिखा देता हूँ, आगे भी हमने टी लगा रखी है और ये ऊपर से छत का पानी उतार रखा है हमने। तो ये जो टी हमने लगा रखी है, ये इसलिए लगा रखी है ताकि अभी कभी बंद हो तो हम यहाँ से हटा के जाली खोल दें। ये पाइप हमारे जा रहे हैं बाथरूम में, दोनों पाइप, ये यूपीवीसी और पीवीसी पाइप दोनों हमारे बाथरूम में चले गए हैं। मैं इस छेद से दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे बाथरूम में फिटिंग हो चुकी है यूपीवीसी वाली, बाथरूम में जाके दिखा देता हूँ अभी मैं। ये देखिए, ये हमारा उधर से जो पाइप आ रहे थे, ये आपको छेद में से दिख रहे होंगे। और ये देखिए, ये नीचे हमने इसकी बाथरूम की नाली बना दी हमने टी लगा के। और ये देखिए, ये टी लग के ये हमारा चला गया बाहर। और ये टी लगा के हमने ले रखा है वाश बेसिन के लिए, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये छेद मार के हमने बाहर ले रहे हैं लैट्रिन से होते हुए। तो ये हमारा सीट का पाइप है, ये जो जिसमें कट्टा फंस रहा है एल्बो लग के, ये देखिए इसमें पाइप में हमारी टी लग के पी ट्रप लग गया, हमारा देसी सीट का पॉइंट बन गया हमारा। ये दिखा देता हूँ मैं, ये पी ट्रप है हमारा, और इसके बराबर से जो आ रहा है 4 इंची पाइप वो वाश बेसिन का है, ये जिसमें हमारा कट्टा लग रहा है। और ये लैट्रिन के टैंक का पाइप हमारा चला गया उसमें टैंक में, इसके बराबर से जा रहा है जो, ये हमारा सीट का पॉइंट है। तो इसमें हमारी 2 पीस वाली सीट लगेगी हमारी, मैं फ़ोटो लगा देता हूँ ये साइड में, ये हमारी सीट ये वाली लगेगी। तो इसका साइज़ हमने बनाया 20 सेंटर दीवार से, अभी एक बार कट्टा हटा के नाप देता हूँ, ये है 8 इंची सेंटर। ये देखिए, हमने बाथरूम में ही फिटिंग कर दी है, पानी की फिटिंग जो है हमारी, ये तीनों पॉइंट हमने बना दिए हैं, ये शावर में भी हमारा चला गया पॉइंट। तो अभी मैं आपको पास ले जाके दिखाऊंगा, मैं समझाता हूँ। ये हो गया हमारा गर्म पानी का पाइप 0.5 इंची सी पी वी सी, ये देखिए हमारा चला गया, ये आशीर्वाद कंपनी का पाइप है हमारा। तो ये जाकर हमारा ये टी लग गई हमारी 20 का पॉइंट, और कंसील में जाकर ये हमारा टी लग के सावर में चला गया। तो ये हमने मेल सॉकेट बदल दिया, 0.5 इंची सीपीवीसी का लगा दिया और ये टी लगा के हमने सावर में दे दिया। और ये यूपीवीसी फिटिंग हमारे ठंडे पानी की है, ये हमारा सिस्टर्न का पॉइंट हो गया, सीट के लिए सिस्टर्न का पॉइंट दे दिया, ये जेट का हो गया हमारा। और ये टी मार के हमने दे दिया देसी सीट में, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी 20 होगी देसी सीट की, ये पीटरप है हमारा। तो ये वहाँ से छेद होकर हमारे ये आ गया हमारा सिस्टर्न का, देसी सीट में सिस्टर्न का। अब मैं पीछे जाके दिखा देता हूँ, ये हमारे निकल गए बाहर पॉइंट। तो ये जो है ये हमारा हो गया सिंटेक्स का पाइप, तो ये हमारा वाश बेसिन का है, ये वेस्ट पानी का है। और ये हो गया हमारा मोटर का, और ये हमारा मोटर का खींचने वाला पाइप हो गया। मैं अभी तरीके से दिखा देता हूँ आपको, ये पाइप हमारे सारे, ये खिचड़ी बनी हुई है हमारी, दिखा देता हूँ एक तरह से, समझा ही देता हूँ। ये हमारा हो गया पहला वाला पाइप, ये खींचने का मोटर से जो हमारा नगर निगम का पानी है।
ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यूपीवीसी फिटिंग। ये जो किचन से मैं लाया हूँ पाइप, दो ये 4 इंच के बराबर में दो पाइप लाया हूँ, ये मोटर का और सिंटेक्स का है। तो ये हमारे ऐसे आ गए एल्बो लग कर, ये हमारे चले जाएंगे ऊपर टॉप फ्लोर पे चले जाएंगे हमारे। तो मैंने आपको दिखाया था अभी, तो ये पहला वाला था खींचने वाला पाइप, और ये जो बीच में हमारा, ये है हमारा मोटर का पाइप, और साइड वाला है सिंटेक्स का पाइप। तो ये टी लगा के हमने ऊपर ले गए हैं, ये ऊपर चले गए हमारे पाइप, यहाँ हमारा टैंक लगेगा। ये देखिए ये लेंटर में छेद मार कर हम ऊपर ले गए हैं। ये जो पाइप देख रहे हैं इसमें पानी भर के हम लाइन चेक करेंगे, क्योंकि अभी टंकी है नहीं, तो इसमें जो है पानी डाल लेंगे हम पाइप से या किसी बाल्टी वाल्टी से, इसमें डाल के हम चेक कर सकते हैं कि हमारी लाइन तो लीक नहीं है। तो ये देसी जुगाड़ है लाइन चेक करने का, क्योंकि अभी मोमटी नहीं बनी है इसलिए टंकी नहीं लग पाएगी। तो ये जो मैं पाइप में पानी भर रहा हूँ, ये इसलिए भर रहा हूँ ताकि हमारी लाइन का पहले ही पता लग जाए फरस होने से पहले कि लाइन हमारी लीकेज है या नहीं है। तो इसमें जो हमारी मोटर की लाइन और सिंटेक्स की लाइन दोनों चेक हो जाएंगी हमारी, और जो हमारे नीचे प्लग लगे हैं हमारे, प्लग बिल्कुल टाइट कर देने हैं ताकि जो है ये प्लग लीक ना हो। अगर प्लग लीक हुए हैं तो यहाँ से जो है पानी खाली होने लगेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये पाइप जो है एक बार में पूरे नहीं भरे जाएंगे, पहले पानी भरना है, फिर उसके बाद रोक देना है, फिर दोबारा भरना है पानी, धीरे धीरे करके भरना है, क्योंकि इसमें एयर बनती है ना, तो वो पानी ढंग से भर नहीं पाता है। तो इसलिए पानी भर के थोड़ी देर बाद फिर दोबारा पानी भरें, और अगर ये पानी खाली हो रहा है तो समझ लो कहीं से लाइन लीक है। वैसे मसाला दबाने मिट्टी से ढकने से पहले पाइपलाइन एक बार चेक कर लें। तो ये ऐसे ही ये देसी जुगाड़ है हमारा, और ये पाइप में ऊपर ही पता लग जाए अगर कहीं से लीक नहीं है, तो ये पाइप भरे रहेंगे, और अगर ये पाइप खाली हो रहे हैं तो इसका मतलब लाइन लीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ।